नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेनेस टेप में। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं राइजन का प्रोसेसर। तो इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं राइजन 720 700। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। यहाँ पे सबसे पहले ये कुछ मैनुअल्स आपको मिल जाती है एएमडी की तरफ से। लेट्स सी। और फिर यहाँ पे आपको ये देखिए ये, और फिर ये मिलता है आपको राइजन 2700 वाला प्रोसेसर। और यहाँ पे दोस्तों आपको मिलता है इसका कूलर, सीपीयू कूलर। इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए गाइस, ये बेस की हीट सिंक। और ये तो दोस्तों, अब मैं इस प्रोसेसर को इसकी प्लास्टिक कवरिंग से बाहर निकालता हूं। और हाँ, यहाँ पे आपको एक स्टिकर मिल जाता है, ये आप कैबिनेट पे अपने लगा सकते हैं। इस पे लिखा है AMD Ryzen 7। तो चलिए अब इसको इसकी प्लास्टिक कवरिंग से बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है। थोड़ा ध्यान से गाइस, कोशिश करें कोई कोई पिन ना मुड़े। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऐसे होल्ड करता हूँ ताकि मैं पिन्स को कोई डैमेज ना करूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं AMD Ryzen 7 2700। और इसको फ्लिप करके इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको पिंस मिलती हैं। फिर से फ्लिप करते हैं और थोड़ा मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ। और जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैंने पिंस को बचा रखा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे गाइज बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं। तो यानी कि ये प्रोसेसर वीडियो एडिटिंग प्लस गेमिंग दोनों लिहाज से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। इसकी बेस क्लॉक जो है वो है 3.2 गीगाहर्ट्स। और इसकी जो टर्बो बूस्ट है, जो टर्बो क्लॉक है, वो है 4.1 गीगाहर्ट्स। तो आप इसकी परफॉर्मेंस का अंदाज़ा गाइस लगा सकते हैं। ये राइजन की सेकेंड जनरेशन का प्रोसेसर है दोस्तों। इसको हमने अमेज़ोन से ऑर्डर किया और ये पड़ा हमें 16,500 रुपीज़ का। और सीरियसली गाइस, 16,500 रुपये में इससे बेस्ट प्रोसेसर आपको पूरी मार्केट में नहीं मिलेगा। और वीडियो एडिटिंग की बात करें तो आप चाहे 2K वीडियो एडिट कर रहे हो, चाहे 4K वीडियो एडिट कर रहे हैं, चाहे 8K वीडियो एडिट कर रहे हो, अपने प्राइस सेगमेंट में ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है। और वही बात एप्लीकेबल होती है गेमिंग्स पे। तो गेमिंग के बेंचमार्क्स भी इसके काफ़ी अच्छे हैं इस प्राइस रेंज के प्रोसेसर्स में। और थोड़ा भारी है इंटेल प्रोसेसर से। हाँ, तो मैं भारी हूँ, मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। जी नहीं गाइज, ये सिर्फ एक मजाक था। लेकिन सीरियसली गाइज, दिस प्रोसेसर इन दिस प्राइस रेंज गिव्स यू एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आप ब्लाइंडली इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपका बजट उस रेंज में फॉल हो रहा है तो। और आप इस प्रोसेस को अगर लेना चाह रहे हैं तो आप सेल का भी वेट कर सकते हैं। मतलब सेल में इसके दाम थोड़े और गिर जाते हैं। और फिर तो बेस्ट डील है गाइज, बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील है इस प्रोसेसर को लेने के लिए।
प्राइस। तो दोस्तों इस चैनल का नेक्स्ट पीसी बिल्ड जल्दी ही आने वाला है, कंपोनेंट्स मैंने सारे ऑर्डर कर दिए हैं, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू अराइव सो मैं उस पीसी को बिल्ड करके आपको दिखा सकूं। दैट पीसी वुड बी अंडर 50K, द बेस्ट गेमिंग प्लस वीडियो एडिटिंग पीसी। तो कंपोनेंट्स जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो अभी मेरे पास शिप हो चुके हैं, विच इज़ द प्रोसेसर जो कि हमने इस वीडियो में आपको अनबॉक्स करके दिखाया, Corsair Vengeance की 16GB ऑफ रैम विथ 3000MHz की FSB और कैबिनेट जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में उसकी वीडियो बना के दिखाई थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दिए हैं, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस वीडियो को वॉच कीजिए। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दे गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसी ही कूल वीडियोज़, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।